नमस्कार दोस्तों, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ईएमडब्ल्यू में ध्रुवणता किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि सबसे पहले जेड दिशा में संचरित है ईएमडब्ल्यू एक तरंग, जिसके इक्वेशन होगा ई वेक्टर बराबर ई जीरो वेक्टर ई एक्स पी आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। के जेड का मतलब है जेड दिशा में संचरित है। अब आयोटा को हम इसकी पावर में लिख सकते हैं और ई एक्स पी दोनों फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बात है, एक्सपोनेंशियल होता है ये। अब हम कह रहे हैं कि जो ई जीरो वेक्टर जो है वो एक सम्मिश्र संख्या है, यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और कला भी होंगी। तो ई जीरो वेक्टर है वो तरंग संचरण के लंबवत होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं बेसिक तौर पे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं और एक दूसरे के भी लंबवत होते हैं। तो अतः ई जीरो वेक्टर के एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश है वो घटक होंगे। वो घटक है हमारे एक्स कैप ई वन प्लस वाई कैप ई टू ई जीरो वैक्टर के। इक्वेशन नंबर टू। अब जो ई वन वैक्टर और ई टू वैक्टर है वो भी सम्मिश्र संख्या के घटक होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ई वन जो है वो है ई वन जीरो ई की आयोटा अल्फा वन और ई टू जो है वो ई टू जीरो ई की आयोटा अल्फा टू, यानी ई जीरो वन यहाँ पर E01 और E02 तो वो है मैग्नीट्यूड, कहें उसको रियल वैल्यू, और आयोटा जिसके साथ लगा है वो है आपके काल्पनिक वैल्यू। तो जिसमें अल्फा वन और अल्फा टू क्या है, कलाएं हैं। तो समीकरण दो में ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे हमारे पास समीकरण नंबर पाँच मिलेंगी। तो समीकरण एक में फिर वापस हम E0 वेक्टर की वैल्यू रख लेंगे समीकरण नंबर एक में यहां। तो इससे आपको समीकरण नंबर छः मिलती है। समीकरण नंबर छः है वो देखिए x और y के अंदर आ गई, यानी x और y घटक के रूप में आ गई। तो ये ध्रुवण अवस्था को व्यक्त करती है, प्रकाश की ध्रुवण अवस्था कहा गया है। इसका मतलब है कि EMW के अंदर ही आता है प्रकाश के, तो चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य तरंगें जो होती हैं वो प्रकाश की होता है, लाइट होता है। इसलिए तो हम यहाँ पर बात करेंगे समतल विद्युत समतल ध्रुवित प्रकाश की। समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर क्या होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के आयाम घटक E10 और E20 ये जो है वो समान कला में होंगे, या इनमें पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, कलांतर जो है तो वो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। तो यहाँ पे कलाओं का अंतर है वो प्लस माइनस एन पाई, यानी पाई का पूर्ण गुणज। तो इनका मान जहाँ पे 0, 1, 2, 3 है। ई की आयोटा अल्फा टू, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ई की आयोटा प्लस माइनस एन पाई प्लस के अल्फा वन, क्योंकि अल्फा टू का मान हमने यहाँ से निकाल के ये रहा, अल्फा टू बराबर प्लस माइनस एन पाई प्लस के अल्फा वन रख देंगे। तो यहाँ रखने के बाद इसको डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि ई की प्लस माइनस जो एन पाई है आयोटा के साथ, इसमें माइवर पर में लगा दिया हमने, कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा जो होती है, माइवर पर में लगाने के बाद कोस पाई का मान हमारे पास, पाई को हमने भी लें तो एन का मान अगर हम जीरो रखें तो कोस जीरो का मान एक होता है और साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो सिर्फ अपने को प्लस माइनस ई का आयोटा अल्फा वन बचेगा, यानी हम ई की आयोटा अल्फा टू की जगह ई की आयोटा अल्फा वन है समीकरण में पुट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर। तो हमने समीकरण छः में ये वैल्यू पुट कर दी है ई की आयोटा अल्फा टू की जगह, यहाँ से ये आ गया यहाँ, यहाँ से फिर हमने क्या किया ई की आयोटा अल्फा वन को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आयोटा फिर वहाँ से इस पद से और पहले पद से फिर कॉमन ले लिया, अल्फा वन इसके पास जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो एक समतल ध्रुवित प्रकाश की इक्वेशन बनेगी, जिसको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, जिसमें ई जीरो है वो इनका वेक्टर क्वांटिटी है, ई वन है वो एक्स घटक के अनुदिश है, ई टू है वो वाई एक्स के अनुदिश है। तो समीकरण से स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम और कला वो कॉन्स्टेंट रहती है। विद्युत क्षेत्र सदिश है वो सदैव एक्स एक्स से थीटा बराबर है, कितना एंगल बनाएगा, टेन इनवर्स ई टू बटा ई वन, यहाँ से निकाल लीजिए ये थीटा हो जाएगा यहाँ, ठीक है, कौन बनाए रहता है, वह चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र में लंबवत दिशा में रहता है। इस प्रकार की तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश वो तरंग संचरण की दिशा सदैव एक तल में रहते हैं। इस प्रकार की तरंग है वो समतल ध्रुवित तरंग कहलाती है। समतल ध्रुवित का मतलब जिसमें दोनों वो एक तल में रहते हों। अब समतल ध्रुवित के अंदर एक ऊर्ध्व ध्रुवित है और एक क्षैतिज ध्रुवित है। तो ऊर्ध्व ध्रुवित के अंदर क्या होगा, यदि विद्युत क्षेत्र के आयाम ई जीरो वेक्टर में केवल आपके पास एक ही घटक हो जो केवल ऊपर नीचे गति कर रहा है, तो वह एक्स अक्ष दिशा संचरित हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर कंपन मतलब एक्स जेड तल में होगा, इसे हम ऊर्ध्व ध्रुवित कहेंगे, यानी कुछ इस तरीके से वो कंपन करेगा। संचरित हो रही है वो जेड अक्ष के अनुदिश,
सॉरी एक्स एक्स केंद्रीय और तल है उसका एक्स जेड तल, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक्स एक्स के दिशा में समतल ध्रुवीय तरंग का समीकरण है ये। क्षेत्रीय ध्रुवीय के अंदर क्या होगा कि यदि विद्युत क्षेत्र के आयाम ए जीरो एक्स का घटक केवल वाई एक्स के अनुदिश हो तो विद्युत क्षेत्र का कंपन तल वो वाई जेड तल होगा, इसे हम क्षेत्रीय ध्रुवीय तरंग कहेंगे, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इक्वेशन है वो क्षेत्रीय ध्रुवीय की हो जाएगी। इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे हम, क्योंकि जेड ये हो गया तो वाई दिशा इसके लंबवत परपेंडिकुलर इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, तो ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है। और अगर इस तरीके से होते हैं तो इस तरीके से हो जाते हैं, मिक्स होने पे वह ध्रुवीय प्रकाश कहलाएगा। प्राकृतिक प्रकाश वह ध्रुवीय विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी इनमें दोनों घटक होते हैं। इस प्रकाश को ऊर्ध्वाधर और क्षेत्रीय तरंगों का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रों के कंपन तल है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन करते हैं इस तरीके से। तो जो प्राकृतिक प्रकाश है वो यह ध्रुवीय होता है, यानी ये दोनों कंडीशन आ गई, क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर की, ये क्षेत्रीय की ऊर्ध्वाधर की और ये क्षेत्रीय की। वृत्त ध्रुवीय प्रकाश, वृत्त ध्रुवीय प्रकाश के अंदर क्या होगा कि यदि विद्युत क्षेत्र के आयाम ए जीरो वेक्टर के दोनों घटक वास्तविक और बराबर भी होंगे, वास्तविक भी होंगे बराबर भी होंगे और कलांतर वो प्लस माइनस पाई बाई टू का होगा, ये कंडीशन हैं, तो उनका कलांतर वो अल्फा टू माइनस अल्फा वन बराबर प्लस माइनस पाई बाई टू होना चाहिए। पहले वाले कंडीशन में था वो प्लस माइनस एन पाई यानी पाई का पूर्ण गुणज था, तो यहाँ से भी उसी प्रकार अल्फा टू की वैल्यू निकालेंगे। ये हमने कहा है अभी कि जो आयाम है वो भी बराबर होने चाहिए, तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। माइबर पर में फिर से लगाएंगे, इसके अंदर माइबर पर में लगाएंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ से प्लस माइनस के आयोटा मिलेगा, ये रहा यहाँ, ये रहा, इसकी वैल्यू यहाँ रख ली हम। तो समीकरण छः के अंदर हमने इसको वैल्यू वापस पुट करेंगे हमारे पास, तो ये क्या आयोटा अल्फा टू आ जाएगा प्लस माइनस आगे ये आ जाएगा, यहाँ रख दिया मान और प्लस माइनस के आयोटा, इसको हल करने के बाद अपने पास प्लस माइनस आयोटा आएगा। ये हमने सिर्फ पहले वैल्यू रखी है, अब यहाँ से ये मान आ जाएंगे, तो हमारे पास देखो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस के आयोटा, समीकरण नंबर आठ आ जाएगी। तो ये समीकरण आठ है वो एक वृत्त ध्रुवीय तरंग समीकरण कहलाएगी। इसमें विद्युत क्षेत्र नियत आयाम ई जीरो के साथ नियत कोणीय वेग ओमेगा से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक्स वाई तल में घूर्णन करेगा। तो समीकरण आठ को हम एक्स और वाई दिशा में वास्तविक मान लिखें तो विद्युत क्षेत्र के हमें दो घटक प्राप्त होंगे, एक है ई एक्स और एक है ई वाई। इसमें भी आयाम है इसका ई जीरो कोस ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस के अल्फा वन, ये वाला आ जाएगा यहाँ ऊपर, इस तरीके से साइन वाले में आ जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो इधर वाला पक्ष देखो ई जीरो स्क्वायर बन जाएगा, बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। इधर ये एक वृत्त की समीकरण मिलेंगे आपको, तो वृत्त की समीकरण मिलेंगे जिसमें ई जीरो एक सदिश का शीर्ष अनुरेखित करता है, शीर्ष का मतलब ये है वो चलेगा, मतलब ये पूरे क्वांटिटी को लेकर चलेगा, जिसमें दो तरीके से चलेगा ये, या तो ये वामावर्ती चले या वे दक्षिणावर्ती चले। वामावर्ती का मतलब हो जाएगा ये, या तो ये मतलब इस तरीके से चले एंटी क्लॉकवाइज चले, जब अनुरेखण वामावर्ती हो तो इसे हम वामावर्ती ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, इस तरीके से चले, या इस तरीके से चले क्लॉकवाइज तो इसे हम कहेंगे दक्षिणावर्ती ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, दीर्घवृत्त में क्या होगा, सिर्फ आयाम बराबर नहीं होंगे, बस इतना फर्क है आयाम बराबर नहीं होंगे। वृत्त ध्रुवीय में आयाम बराबर होते हैं, कलांतर वही पाई बाई टू का होगा, घटक के आयाम बराबर नहीं होंगे, बाकी सेम है, कलांतर पाई बाई टू होना चाहिए, अल्फा टू की वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए आयाम बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए एक वृत्त कब बनता है, जब दोनों एक्स और वाई बराबर होते हैं उसके व्यास, तब ये वृत्त बनता है। अगर इनमें से अगर एक भी ज़्यादा है दूसरे से तो वो एक दीर्घवृत्त बनता है, तो दीर्घवृत्त के लिए कंडीशन ये है कि आयाम बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये सेम उसी तरीके से हमने वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए वो प्लस माइनस आइटा दोबारा से बनेगा, लेकिन अब जो है वो ई जीरो वन और ई जीरो टू अलग अलग आ जाएंगे, पहले वाले में दोनों एक ही आते हैं क्योंकि दोनों का मान हमने बराबर रखा था। ये है वो दीर्घवृत्त ध्रुवीय प्रकाश तरंग कहलाती है, जिससे एक्स और वाई घटक में उसी तरीके से बिल्कुल हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स बराबर ई वन जीरो कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के अल्फा वन, इसी तरीके से ई वाई वाला जाएगा, वर्क करके जोड़ेंगे तो दोनों के बराबर मिलेगा एक, जो कि एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसके यही बिल्कुल इसी तरीके से ये भी वामावर्ती और दक्षिणावर्ती होगा, यदि ये वामावर्ती घूर्णन कर रहा है तो ये हो जाएगा वामावर्ती दीर्घ ध्रुवीय प्रकाश, और यदि दक्षिणावर्ती घूर्णन कर रहा है तो हो जाएगा दीर्घवृत्त ध्रुवीय प्रकाश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि इसमें कुछ आपको कमेंट करना हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स, धन्यवाद।